बैठा रहा। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अपने ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, ले लो यार। गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे? इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था, और पूरी निगाह रखी जा रही थी, और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे 10 लॉगर्स, मैं आपके साथ राहुल शर्मा। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जिन्होंने बताया मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी, विकास दुबे की गिरफ्तारी। जी हाँ, विकास दुबे कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार कहाँ हुआ? उज्जैन महाकाल नगरी में, मध्य प्रदेश में। परंतु रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें कि उसने सरेंडर किया है, और रिपोर्ट्स की माने तो यह भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी अलर्ट नहीं था कि विकास दुबे के बारे में पहले कोई जानकारी हो। सारी पुलिस को पता तो था, परंतु ऐसा नहीं था कि वे मध्य प्रदेश से ही गिरफ्तार किया जाएगा या पुलिस उसे पकड़ेगी। विकास दुबे को वहां की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हाँ, उज्जैन महानगरी से वह गिरफ्तार हुआ। वह वहां पूजा करता है बाकायदा, और फोटो क्लिक कराता है, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब यह कानपुर से उज्जैन पहुंचा तो पहुंचा कैसे, यह एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल घटना वाली रात को वह साइकिल से खेतों से होते हुए सिवली कस्बे में पहुंचता है। वहां से एक दिन वह सिवली कस्बे में रुकता है, और वहां से बाइक उठाता है, और उसके बाद वह फरीदाबाद बड़कल देखा जाता है। जी हाँ, हरियाणा फरीदाबाद में देखा गया। उसके बाद वह दिल्ली NCR और नोएडा साइड सब जगह हाई अलर्ट किया गया, और वहां वो किसी को नहीं मिला, परंतु सीधा मिला भी तो कहां, उज्जैन महाकाल नगरी में। जी हाँ, अब इस उज्जैन महाकाल नगरी में पहुंचने के पीछे दो वकीलों का हाथ भी बताया जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इसके पीछे दो वकीलों का हाथ है। पुलिस वाले भी आ गए, नेताओं के नाम भी आ रहे हैं, और अब वकील भी आ गए। मतलब सारे ही सारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हम माने जिन्हें, वो सारे ही हमारे रक्षक सब इस मामले में आगे आ रहे हैं। कितनी खबरें सही हैं ये तो जब ही पता पड़ेगा, तब पूरे मामले की जांच अच्छी तरह होगी। अब सवाल यह उठता है कि इतनी लंबी दूरी उसने कैसे नापी? पूरा उसने फिल्मी सीन बना दिया, मतलब पूरा पुलिस को चकमा दिया, क्योंकि पुलिस भी चप्पे चप्पे पर खड़ी थी। वह कानपुर से पहुंचा तो कहां, उज्जैन, वो भी कैसे पहुंचा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब MP पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, अब उसे उज्जैन कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। वहीं सोशल मीडिया की बात करें दोस्तों, तो सोशल मीडिया में कुछ बातें निकल रही हैं। वह बातें क्या हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी अभी भी। जी हाँ, सोशल मीडिया में ये माना जा रहा है, ये बातें आ रही हैं कि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, जैसा पहले भी हुआ है यूपी में, उससे पहले आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हो चुका है दोस्तों। वहीं एक बात और भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से बात की। अभी तक यही जानकारी हमारे पास आई है, और जैसी भी कोई जानकारी इस मामले में आगे आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।